नमस्ते, मैं हूँ गिरीश राम शिंदे और हैशटैग सवाल के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल पूछा है टिकम कुमार जी ने और पूछते हैं कि एएचयू काम कैसे करता है। एएचयू का फुल फॉर्म है एयर हैंडलिंग यूनिट, और जैसे हमारे शरीर में हमारा जो दिल या हार्ट होता है वो ब्लड पंप करने का काम करता है, वैसे एयर हैंडलिंग यूनिट एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होती है उसमें हवा को पंप करने का काम करता है। एयर हैंडलिंग यूनिट का कार्य जाने से पहले हम रेन साइकिल को स्टडी करेंगे, क्योंकि रेन साइकिल में और एएचयू के कार्य में बहुत सारी समानताएं है। तो ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है वो रेन साइकिल है, और यहाँ पे सूरज है, और सूरज की गर्मी से क्या होता है, सूरज की गर्मी से जो समुंदर है उस समुंदर का जो पानी है वो पानी इवाप्रेट होता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं सूरज जो है अपनी एनर्जी इस पानी को देता है जिससे कि पानी इवाप्रेट होता है। पानी इवाप्रेट हो गया, पानी इवाप्रेट होने के बाद में पानी के बादल बनते हैं। ओके, ये बादल जो है हवा से फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर आगे जाके ये जो बादल है इस बादल से बारिश गिरती है। जब बारिश गिरती है तो जो पानी है वो छोटे छोटे बूंदों के स्वरूप में गिरना शुरू हो जाता है, और जब बारिश गिरती है तो वातावरण या पर्यावरण ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में जो बारिश का पानी है वो नदी नालों से होते हुए वापस समुद्र में आता है, और इस तरीके से जो रेन साइकिल है वो रेन साइकिल कंप्लीट होती है। अगर हम जो रेन साइकिल है उस रेन साइकिल को एएचयू की जो एयर साइकिल है उस एयर साइकिल के साथ में कंपेयर करते हैं तो हमें एएचयू की फंक्शन समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब हम देखेंगे एएचयू में मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो एएचयू के मेन पार्ट क्या होते हैं, यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो है एयर फिल्टर, जो हवा को शुद्ध करने का काम करता है, और ग्रीन फिल्टर के पीछे जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो है कूलिंग कॉइल, जहाँ पे हवा ठंडी होती है। कुछ एयर हैंडलिंग यूनिट में कूलिंग कॉइल के पीछे हीटिंग कॉइल भी होती है, जिसे मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। ओके, फिर इसके पीछे होता है ब्लोअर, जो हवा को पंप करने का या प्रेशराइज करने का काम करता है। तो ये मेन पार्ट हो गए एयर हैंडलिंग यूनिट के। इसके अलावा भी कुछ पार्ट एएचयू के साथ में जुड़े होते हैं, जिसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे ब्लोअर से जो निकल रहा है इसको हम कहते हैं सप्लायर डक्ट, तो ये ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं सप्लाई एयर डक्ट। यहां से ठंडी हवा एयर कंडीशनिंग रूम के लिए सप्लाई होती है। ये जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं डैम्पर, जो हवा के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। ठंडी हवा जो है सप्लाई डक्ट में से जाती है एयर कंडीशनिंग रूम में, यह है एयर कंडीशनिंग रूम, और सप्लाई डक्ट में यहाँ पे फिर से हवा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डैम्पर लगा होता है। इस डैम्पर से हवा का फ्लो हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर आगे जो राउंड दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं डिफ्यूजर, एयर डिफ्यूजर। यहाँ से जो ठंडी हवा है एयर कंडीशनिंग रूम में फैलती है। ठंडी हवा जो है एयर कंडीशनिंग रूम की गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि हवा का टेम्परेचर बढ़ता है। फिर ये हवा रिटर्न एयर, ये जो है रिटर्न एयर डिफ्यूजर रेड कलर में, रिटर्न एयर डिफ्यूजर में से ये जो हवा है वापस रिटर्न एयर डक्ट में से एएचयू में आके पहुंचती है। ये जो रेड कलर में दिखाया है ये है रिटर्न एयर डक्ट। रिटर्न एयर डक्ट में एक एग्जॉस्ट का कनेक्शन होता है, जैसे कि एयर कंडीशनिंग रूम में अगर कुछ स्मोक है या बदबू है तो उसको हमें बाहर निकालना होता है, और उसको बाहर निकालने के लिए हम एग्जॉस्ट एयर डक्ट का यूज कर सकते हैं। तो डैम्पर खुलने के बाद में कुछ परसेंटेज जो होते हैं हवा का हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, ताकि जो धुआं है या बदबू है इसको जाने के लिए रास्ता मिल जाए, और बाकी जो हवा है ये हवा वापस चली जाती है एयर हैंडलिंग यूनिट में। एएचयू में और एक ग्रीन कलर का आपको डक्ट दिखाई देगा, इसको कहते हैं फ्रेश एयर डक्ट। तो हमने कुछ जो हवा है, कुछ परसेंटेज ऑफ एयर जो है यहाँ से एग्जॉस्ट कर लिया, जितनी हवा को हमने बाहर निकाला उतनी फ्रेश एयर को लेना जरूरी है। तो यहाँ पे भी डैम्पर लगा होता है, उस डैम्पर को ओपन करके हम क्या कर सकते हैं, बाहर से फ्रेश एयर ले सकते हैं। तो ऑलरेडी डैम्पर थोड़ा सा खुला होता है, एग्जॉस्ट भी थोड़ा सा खुला होता है, फ्रेश एयर डैम्पर भी थोड़ा सा खुला होता है, और कंटिन्यूसली फ्रेश एयर जो है थोड़ी थोड़ी करके एएचयू में आ जाती है। फिर ये जो फ्रेश एयर है और रिटर्न एयर है दोनों मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद में ये दोनों एयर वापस एयर फिल्टर में जाती है। यहाँ पे हवा शुद्ध होती है, फिर कूलिंग कॉइल में पास होती है, यहाँ पे हवा ठंडी होती है, और ये साइकिल कंटिन्यूस इस तरीके से चलती रहती है। अभी हम रेन साइकिल और एएचयू की जो एयर साइकिल है उसको आपस में कंपेयर करेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही बारिश गिरने के बाद में बारिश का जितना भी पानी है वो नदी या नालों से होकर वापस समुद्र में पहुंचता है, वैसे ही एयर कंडीशनिंग रूम में जो भी हवा है वो रिटर्न एयर डक्ट में से वापस कहाँ पे आ जाती है, एएचयू में आ जाती है। ओके, यहाँ पे रेन साइकिल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सूरज होता है, सन होता है, जो क्या करता है पानी को एनर्जी देता है, जिसके वजह से समुद्र का जो पानी है वो इवेपोरेट होता है।
तो जैसे सूरज यहाँ पे समुद्र के पानी को एनर्जी देने का काम करता है, सिमिलर टू डैट यहाँ पे मोटर होती है और मोटर से कनेक्टेड होता है ब्लोअर, जो ब्लोअर हवा को एनर्जी देने का काम करता है, जिसकी वजह से हवा सक करके वापस रूम में, एसी रूम में भेजी जाती है। यहाँ पे रेन साइकिल में जो पानी है समुद्र का वो फिल्टर हो जाता है, मतलब सूरज जो है सिर्फ साफ पानी को इवापरेट करके आगे भेजता है, बाकी जो गंदा पानी है समुद्र में जमा हो जाता है। एयर हैंडलिंग यूनिट में देखोगे तो यहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं, तो एचयू क्या करता है, हवा को यहाँ पे फिल्टर्स में से फिल्टर कर देता है, जो गंदगी है डस्ट पार्टिकल से वो फिल्टर में यहाँ पे रुक जाते हैं और सिर्फ साफ हवा जो है आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे रेन साइकिल में भी क्या होता है, सिर्फ साफ पानी जो है आगे बढ़ता है। सूरज जो है पानी को इवापरेट करता है और इवापरेट करने के बाद में जो साफ पानी है उसके बादल बनते हैं, और ये बादल अलग अलग जगह पे बारिश गिराने के लिए भेजे जाते हैं। एएचयूपी क्या करता है, यहां से हवा को शुद्ध करता है, बाद में कूलिंग कॉइल में हवा को ठंडा कर देता है, और ठंडा करने के बाद में एनर्जी देता है हवा को। हवा को एनर्जी देने के बाद में ये हवा चली जाती है सप्लाई डक्ट में। तो जैसे रेन साइकिल में बादल जो है अलग अलग जगह पे जाके बारिश गिराते हैं, वैसे ही एएचयू क्या करता है, अपनी जो ठंडी हवा है वो सप्लायर डक्ट में से पास करता है। एएचयू में यहाँ पे डैम्पर लगा होता है, जो हवा का जो फ्लो है उस फ्लो को, या वॉल्यूम भी कहते हैं, वॉल्यूम मतलब आकार का, आकार मान या फ्लो को कंट्रोल करता है, इससे कि हम हवा की जो फ्लो है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, और फिर ये जो ठंडी हवा है एयर कंडीशनिंग रूम के लिए आगे बढ़ती है। जैसे बादल आगे जाते हैं और बारिश गिराते हैं, सिमिलर टू डैट ये जो ठंडी हवा है वो एयर कंडीशनिंग रूम में जाती है, और एयर कंडीशनिंग रूम में जाके यहाँ पे डिफ्यूजर में से फैलती है। जैसे जब बारिश होती है तो बारिश की छोटी छोटी बूंदे होती है और उसकी बौछार हो जाती है, जिससे कि जो पानी है बारिश का वो सब जगह पे फैल जाता है। वैसे यहाँ पे डिफ्यूजर्स लगे होते हैं एयर कंडीशनर्स में, और डिफ्यूजर क्या करते हैं, हवा को एक साथ नहीं भेजते, तो पूरे एयर कंडीशनिंग रूम में एक जैसा फैलाने के काम करते हैं। तो जैसे बारिश की बौछार गिरती है और बारिश सब जगह पे, जो भी वातावरण है, जो भी जगह है, वहां पे सब जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, वैसे डिफ्यूजर क्या करता है, ठंडी हवा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करता है। बारिश होने के बाद में जो भी पानी है वो नदी नालों से वापस क्या होता है, समुद्र की ओर आता है। तो वैसे यहाँ पे एक बार ठंडी हवा एयर कंडीशनिंग रूम में चली गई तो ठंडी हवा एसी रूम से गर्मी को खींचती है, और वापस ये जो हवा है, यहाँ पे रिटर्न एयर डिफ्यूजर होता है और रिटर्न एयर डक्ट होता है, उस रिटर्न एयर डक्ट से वापस एएचयू में आती है। तो वैसे ही यहाँ पे जो बारिश का पानी है वो पूरा ठंडा कर देता है एटमोसफियर को, पर्यावरण को, और ठंडा करने के बाद में जो भी एक्सेस वाटर है वो रिवर या फिर नदी नाले जो है वहां से होके वापस समुद्र की ओर में बढ़ता है। यहाँ पे रिटर्न एयर डक्ट से वो हवा वापस एएचयू में आती है। सिर्फ यहाँ पे एडिशनल क्या दिया, एग्जॉस्ट डक्ट दिया है। एग्जॉस्ट का फंक्शन क्या बताया, जब एयर कंडीशनिंग रूम में आप बैठते हैं तो उसमें बदबू हो सकती है, उसमें स्मोक हो सकता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और उस हवा को निकालना जरूरी होता है। इसके लिए कुछ परसेंटेज जो होता है हवा का वो एग्जॉस्ट से निकाला जाता है, और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्रेश एयर डक्ट लगाते हैं। जितनी हवा हमने एग्जॉस्ट कर ली है उतनी हवा फ्रेश एयर से क्या करते हैं, हम एएचयू में लेते हैं। जब हम फ्रेश एयर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी आता है, और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है यहाँ पे मेंटेन हो जाता है, और फिर ये फ्रेश एयर और रिटर्न एयर आपस में मिक्स हो जाती है, और मिक्स होके फिल्ट्रेशन होके ठंडी होके वापस एयर कंडीशनिंग रूम में चली जाती है, और इस तरीके से आपका जो एएचयू है वो एएचयू काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एचवीएसी से रिलेटेड आपको अगर कोई बुक्स लेनी है या कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप मेरे अमेजोन स्टोर पे जा सकते हैं। अमेजोन स्टोर की जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।